हमारे पास जो आज मॉडिफाइड होने के लिए गाड़ी आई है वो है हमारी आज की मारुति की बेलिनो होने वाली है, सुजुकी साइन आपको सामने दिख रहा होगा। और ये जो गाड़ी आई है लगभग लगभग 1600 किलोमीटर दूर से आई है हमारे पास, जो कि ये है MH का नंबर। ये पुणे की गाड़ी है, बेसिकली करोल बाग शिवा कार एक्सेसरीज पे और बालाजी कार एक्सेसरीज पे ये काम करवाने हैं भैया स्पेशली। तो सबसे पहले भैया से इंट्रोडक्शन लेते हैं कि कहाँ से आए हैं और यहाँ से कितना दूर उनका घर है। तो भैया आप कहाँ से आए बेसिकली, पहले तो वो क्लियर कर दीजिए। मैं पुणे से आया हूँ। ओके, और यहाँ से आपका डिस्टेंस कितना होगा अप्रॉक्स? ऑलमोस्ट लगभग 1400 से 1500 किलोमीटर अप्रॉक्स, 1500 किलोमीटर ट्रैवल करते हुए आया हूँ। तो कितना टाइम लग गया सर वहाँ से हमने आपको यहाँ पे? टाइम तो एक्चुअली मैं पूरा राजस्थान यूपी वगैरह घूम रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब पूरा टूर करते हुए उसके बाद आप यहाँ हैं। और मेरा मेन मोटो था कार का काम कराना, मैंने सोचा इसी बहाने ट्रैवल भी हो जाएगा। ओके, तो फिर मैंने यहाँ पे हमारी डे टाइम रनिंग लाइट लगाई जा रही है कि प्रॉपर जो हमारी है पूरे नक्के से नक्का फिक्स होगा पूरा प्रॉपर, और यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट इंस्टॉल हो जाएगी। तो उसका मैं आउटपुट आपको दिखाऊंगा कि कैसे रहता है। बेसिकली आपको ये दिन और रात दोनों में ला सकते हैं, कनेक्शन आपके ऊपर होते हैं कि आप कैसे इसको आपके हिसाब से कन्वीनियंट होता है उस हिसाब से आप लगवा सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो आप इसके अंदर आपका जो है LED के अंदर हमारे जो हाइलोजन और इसमें इंस्टॉल थे उसके वो रिप्लेस करके हम LED इंस्टॉल कर रहे हैं। हॉर्सेस के 55 वॉट में आपकी LED इसमें रहेगी। नीचे IPH के प्रोजेक्टर आपके लगेंगे इस जगह पे, फिलहाल तो खाली वाला ऑप्शन है यहाँ पे, और पूरी पूरी रिले वायरिंग देख सकते हैं। तो सॉकेट टू सॉकेट हमारा पूरा का पूरा काम किया जाता है, उसके बाद जाके आपकी कोई वायर कट नहीं होती। ये वाले सॉकेट के अंदर हमारे जो IPH की फिटिंग है उसकी वायरिंग के साथ जो सेटअप है वो पूरा पूरा यहाँ पे अटैच हो जाएगा। वो भी आपको वीडियो में आगे मैं कोशिश करूँ दिखा दूँ। और साथ ही साथ अगर चाहें तो आप इसमें IPH के अंदर LED और लेजर प्रोजेक्टर में इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है हमने बैक रिफ्लेक्टर्स लगाए हैं। इसके अंदर आपको मैं एक चीज दिखा दूँ, तो जितने भी हमने कनेक्शन करे हैं यहाँ पे, ये हमने कपलर के अंदर इसको अगर ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमने सॉकेट फंसाया है। ये वायर हमने कहीं भी कोई कट नहीं करी है, ये देख लीजिए। मैं आपको क्लियरली एक एक चीज वीडियो में इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको लगे कि कोई वायर कट हो रही है, कोई टेप नहीं है, कोई वायर कट नहीं है। जितना भी है ये आपके सॉकेट के अंदर मैंने इंसर्ट कर दिए हैं अपनी वायरिंग जो थी। और इसके अलावा चाहे तो यहाँ पे आप टेलर्स का भी आप ऑप्शन होता है, आप वो भी लगवा सकते हैं इसके अलावा। और यहाँ पे हमने जो है इसके अंदर कैमरा और कैमरे की प्लेसमेंट जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे निकॉन कंपनी का कैमरा लगाया गया है। और साथ ही साथ देखें तो हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्टर लाइट जो है आपके मैट्रिक्स है वो आपको मैं वीडियो के एंड में चला के दिखा दूंगा, इसके वर्किंग कैसे 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 इसमें कनेक्शंस होते हैं सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। इसके बाद चलते हैं गाड़ी के अंदर और क्या क्या इसके अंदर इंस्टॉल किया है गाड़ी के इंटीरियर में वो आपको मैं दिखा देता हूँ। चाहे तो मैं एक बार आपको ऑन करके दिखा देता हूँ कि हमारी जो टेल लाइट है ये ऑन है। इसके साथ साथ देखेंगे तो यहाँ पे हमारे जो डिज़ाइन है ये आपका मैट्रिक्स इंडिकेटर वाला डिज़ाइन है। आप चाहे तो अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं, मारुति की किसी भी गाड़ी में आप ये इंस्टॉल करवा सकते हैं। प्राइस रेंज जो हमारी स्टार्टिंग रेंज है वो है 500 रुपीज़, और इसकी जो प्राइस रेंज है वो आपको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मेरे से कि क्या रेट है। इसका डिज़ाइन आपको 5 से 6 तरह के अलग अलग मिल जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे डिफ्यूज़र भी लगवा सकते हैं। अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र गाड़ी आई है 1600 किलोमीटर दूर से हमारे पास काम करवाने के लिए पुणे से, तो भैया को कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा हमारे बारे में, तभी यहाँ पे हमारे पास काम कराने आए हैं। काम कहाँ हो रहा है? अगेन आपका शिवा कार एक्सेसरीज दिल्ली करोल बाग में। सो आप चाहें तो यहाँ विजिट कर सकते हैं। पार्सल ट्रे आप चाहें तो पार्सल ट्रे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जेन्युइन MGP की। यहाँ पे भाई अपना जो है प्रोजेक्टर की इंस्टॉलेशन भी कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरे क्लैंप होते हैं इसके, जो कि आपके यहाँ पे पूरी फिटिंग इसकी नॉर्मली लग जाएगी। ये पहले इस क्लैंप को जो है हमारे यहाँ पे टाइट किया जाता है, इसके बाद जाके ये बैक साइड से है जो भी हम फिटिंग करेंगे उसका भी प्रोसेस आपको पूरा का पूरा मैं दिखा दूंगा वीडियो के अंदर। और पहले इसको पे टाइट करने देते हैं, उसके बाद चलते हैं बंपर की तरफ। हमारी जो है प्रोजेक्टर की जो हमारी प्लेसमेंट हो चुकी है, और यहाँ देखेंगे तो ये इसका कुछ आपको लुक देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो कोई गैप नहीं है किसी तरह का, ये प्रॉपर आपकी मारुति की या राउंड शेप जितनी भी गाड़ियाँ हैं सबके अंदर प्रॉपर बैठता है। वायरिंग वगैरह का पूरा सेटअप हो चुका है। ब्लास्टर्स की बात करें तो हेलिस कंपनी के ब्लास्टर्स आपको मिल जाएंगे 55 वॉट में, और ये देख सकते हैं हेलिस इसमें एम्बोज है, कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं है इसके अंदर। 55 वॉट में आपको मिल जाएगा देखने को। और इसके अलावा डे टाइम रनिंग लाइट इसमें लगा दी गई है, उसकी पूरी की पूरी वायरिंग का जो सेटअप है ये कपलर टू कपलर चलने वाला है, ये भाई इंस्टॉल करता है, तो उसके बारे में भी आपको ए टू जेड चीज़ बताते हैं। जब ये ऑन हो जाएगा तो ऑन होने के बाद आपको जो दिखेगा बाय डिफॉल्ट ये हल्का सा येलो स्टोनबल दिखता है, जब ये पूरा का पूरा वार्म हो जाता है गर्म हो जाता है तो उसके बाद ये आपको प्रॉपर प्योर वाइट। वैसे हमारा जो प्रोसेस था हमारा फिटिंग का सारा यहाँ पे हो चुका है। सारी फिटिंग आप चेक कर सकते हैं कि H2 है, पूरी पूरी फिटिंग आई है, किसी तरह कोई गैप नहीं है गाड़ी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ, दोनों फंक्शन जो आपके पार्किंग पे ऑन है। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पार्किंग ऑन हो चुकी है, और इस जगह पे आप देख सकते हैं डे टाइम रनिंग लाइट जो है और साथ साथ प्रोजेक्टर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। हाई बीम लो बीम दोनों प्रोजेक्टर होते हैं। इसके अंदर हमने LS कंपनी की 55 वॉट की HID इंस्टॉल की है। साथ ही साथ इस साइड की भी अगर मैं दिखा दूँ आपको
तो यहाँ पे LED भी इंस्टॉल हमने कर दी है, और आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ व्हाइट लाइट आपको देखने को मिल जाएगा। अंदर जो है हमारा H4 का LED बल्ब लगा है 55 वाट में, हॉजेस कंपनी का, साथ में यहाँ पार्किंग बल्ब लगे हुए हैं। इसके साथ देखेंगे नीचे तो यहाँ पे आपका IP प्रोजेक्टर है जो कि काफ़ी अच्छा फोकस देता है, किसी भी राउंड शेप की गाड़ी में आप लगवा सकते हैं। और यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दी है। अब चाहे तो यहाँ पे भी आपकी डे टाइम रनिंग लाइट इंस्टॉल कर सकते थे, बट वो बाय डिफॉल्ट खराब हो जाती है जल्दी, तो उसकी रिकमेंडेशन हमने नहीं दिया। इसके अलावा कुछ काम जो गाड़ी के अंदर पहले से हुआ है उसके अंदर आपके जो देखने को मिल जाएगा इसके अंदर, ये सबसे पहले तो है इसके रेन वाइजर जो कि आपके बाय डिफॉल्ट कंपनी से लगा के आए हुए हैं, और ये गैलियो कंपनी के बेसिकली, और ये कम से कम भी 2 से 3 साल पुराने डोर वाइजर्स हैं जो कि इस गाड़ी में लगे हुए हैं। इसके अलावा चाहे तो देख सकते हैं इसके अंदर जो इसकी विंडो गार्निश है सेट ऑफ 6 में आएगी है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी ना रस्टिंग इशू नहीं आया है अभी तक में। और लोगों का ये मानना है कि भैया यहाँ पे जो क्रोम के आइटम्स में रस्टिंग आ रही है वो सही है बिल्कुल, लेकिन जो SS के आइटम्स होते हैं उसमें आपको रस्टिंग नहीं मिलेगी, या फिर आपकी MGP जेन्युइन जो है। अब जैसे ये आपका हैंडल है MGP जेन्युइन का बाय डिफॉल्ट है, ये पूरा का पूरा हैंडल आपका रिप्लेसमेंट है, आपके ये ऊपर से कवर कोई नहीं लगाया हुआ है, इसके अंदर आपकी कोई भी दिक्कत आई या कोई ज्यादा रस्ट है। इसके अलावा आप जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर डोर गार्ड है, रोल रन में थोड़ा सा रस्टिंग इशू यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये आफ्टर मार्केट आइटम है और ये रस्टिंग इसमें आ सकती है। इसके अलावा देखेंगे तो आपकी जो MGP की साइड बिल्डिंग है वो इसमें जेन्युइन प्रोडक्ट लगा हुआ है, और इसके अलावा चाहे तो आप अलॉय व्हील्स भी देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट इसमें लगे हुए आए हैं। आप चाहे तो हमारे पास भी सेम डिज़ाइन भी मिल जाएगा, और आफ्टर मार्केट के कोई भी आपको प्रोडक्ट चाहिए अलॉय व्हील्स में तो वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहे तो बेस मॉडल के अंदर आप अपने जो है ORVMs इंस्टॉल करा सकते हैं। ये वाले जो ORVMs हैं आपके सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली हाथ से बंद होने के लिए आते हैं, बट इस वाले मॉडल में जो है अंदर बटन से बंद होते हैं और बटन से खुलते हैं, और लॉक एंड लॉक को भी आप फोल्ड एंड फोल्ड इसको कर सकते हैं। ये वाला भी आप बेस मॉडल में इंस्टॉल करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। गाड़ी के इंटीरियर के अंदर देखें तो इंटीरियर में हमने जो है इसके एंड्रॉयड स्टूडियो लगाया है, एंड्रॉयड स्टूडियो हमने लगाया है P-Sonic कंपनी का, और यहाँ पे आप देखें तो ये हम इसको रैप को इसके ऊपर से हटा दे तो इसकी वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल HD क्वालिटी है, और एकदम 0-0 फिटिंग है, कोई किसी तरह का कोई गैप नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है जो भी इसके आपके स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल्स है आप चाहें तो एक्स्ट्रा भी लगवा सकते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, ये बाय डिफॉल्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वाला जो आपका ऑप्शन है देखिए पूरा का पूरा आपका ये वर्किंग करेगा, फिलहाल में ये मैच नहीं करे गए हैं दोनों को आपस में, जिसकी वजह से ये अभी काम नहीं कर रहा। जैसे ही हम इसको मैच करेंगे आपस में दोनों को तो ये इसके साथ में प्रॉपरली वर्क करेगा सारे के सारे बटन A-Z जितने भी। अगर आप भी चाहते हैं अपने बेस मॉडल या बेस से ऊपर वाले मॉडल में अपना सिग्नल मोटर कंट्रोल्स लगवाना तो आप लगवा सकते हैं, नहीं कि आपको इस गाड़ी के लिए किसी भी गाड़ी के लिए आप लगवा सकते हैं सिग्नल मोटर कंट्रोल्स अपनी गाड़ी के अंदर। और इसके अलावा हमारे पास जो है मीटर भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे ये आपका डेल्टा मॉडल का मीटर है तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये आप अपने बेस मॉडल सिमा मॉडल के अंदर लगवा सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है बहुत ही सस्ते प्राइस रेंज के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा चाहें तो आप OEM रैप करा सकते हैं इसके अंदर, ये वाला जो रैप है ये आफ्टर मार्केट रैप है जो इस गाड़ी के अंदर ऑलरेडी हुआ हुआ है, आप चाहें तो अपनी गाड़ी के अंदर OEM रैप भी करवा सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो ये आपको AC वेंट का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर बाय डिफॉल्ट है, बट आप चाहें तो आपकी गाड़ी बेस मॉडल सिग्मा मॉडल के अंदर आप लगवा सकते हैं ये वाला सेम मॉडल, तो हमारे पास ये भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारे पास जो अवेलेबल होंगे ये वाला पार्ट और उस साइड वाला पार्ट आता है, ये मिडल वाले पार्ट नहीं आते हैं आफ्टर मार्केट में, ये बाय डिफॉल्ट आपका जो है पूरी का पूरा ग्रिल आती है आपकी, और ये आपका जो है AC वेंट्स के साथ पूरा मर्ज होता हुआ चलता है। और साथ साथ देखिए तो आपके जो हमारे हैंडल है ये वाले हैंडल आपको बेस मॉडल में बिल्कुल ब्लैक मिलते हैं, आप ये क्रोम फिनिशिंग में लगवाना चाहते हैं तो ये भी हमारे पास आपके अवेलेबल मिल जाएंगे, जैसे कि आप ये ओपन करेंगे तो आपको क्रोम वाली फिनिश जो है आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो पावर विंडोज है OEM पावर विंडोज भी इन फ्यूचर में आपको हमारे पास मिल जाएंगी, जैसे आप देखते हैं कि सामने से पूरा का पूरा ऑपरेट होगा हर एक एक चीज, तो वो भी आप करवा सकते हैं अपनी गाड़ी के अंदर इन फ्यूचर में, तो वो भी आपको मेरे चैनल पे आने वाले टाइम पे देखने को मिल जाएगी। बारी आती है गियर नॉब की, बेस मॉडल के अंदर जो है ये वाला क्रोम फिनिश में गियर नॉब नहीं आता है, थोड़ा सा देखने में पुराने से लगा होगा कि ये 2017-18 मॉडल की गाड़ी है और इसके अंदर ये गियर नॉब बाय डिफॉल्ट कंपनी से लगा हुआ है, तो 4-5 साल पुराना तो गियर नॉब इतना तो एटलीस्ट बनता है कि थोड़ा सा घिसे ये। और साथ साथ देखिए तो यहाँ पे हमें आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे जो आर्मरेस्ट चाहिए ओरिजिनल टॉप मॉडल में जो आपका आता है वो वाला है, आप चाहे तो अपने बेस मॉडल में लगवा सकते हैं, ये भी हमारे पास अवेलेबल है MGP जेन्युइन का आपको मिलेगा, और बिल्कुल प्राइस रेंज जो होगी बिल्कुल रिजनेबल होगी और काफी ज्यादा
अंडर रेंज होगा ये, और आप चाहें तो अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं। और पैन इंडिया डिलीवरी भी हमारे होती है हर चीज की, आप चाहें तो इस गाड़ी में डैम्पिंग भी करवा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसके अंदर नहीं हुई हैं, आप अपनी गाड़ी में करवा सकते हैं। हमारे पास आ चुका है एंड्रॉयड सीओ जो कि पीसोनिक का है। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सारा का सारा पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद आपको इसके फीचर्स वगैरह के बारे में बता दें कि क्या क्या फीचर होते हैं इसके और कैसे कैसे वर्क करते हैं। टोटल ए टू जेड आपको फीचर्स के बता देते हैं। पहले तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मेन्यू में ऑप्शंस मिल जाएगा, आपको वीडियो ऑडियो सब चीज का। प्रॉपर HD फॉर्मेट में काम करते हैं, ब्लूटूथ का आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। जब भी आप ड्राइव मोड पे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, तो आप ब्लूटूथ करो बात कर सकते हैं। माइक इसमें आपको एक्स्ट्रा सेपरेट मिल जाएगा। जो माइक की प्लेसमेंट है वो यहाँ करी गई है ताकि आपकी जो आवाज है प्रॉपरली आपको सामने वाले को सुनाई दे कि आप क्या बोल रहे हैं और कोई भी डिस्टर्बेंस बीच में ना आए। इसके बाद रेडियो का ऑप्शन आपका आता है। रेडियो आप चाहें तो अपने चॉइस के हिसाब से कभी यूज कर सकते हैं, BT यूज कर सकते हैं, वो चॉइस आपकी अपने ऊपर होती है। इसके अलावा ब्लूटूथ के बाद आपका जो वीडियो का अपना ऑप्शन आ जाता है। वीडियो वगैरह में पहले इसको मैं म्यूट कर देता हूँ क्योंकि कोई कॉपीराइट ना आए इसकी वजह से। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया है म्यूट। एक बार क्वालिटी दिखा देते हैं किस लेवल की इसकी क्वालिटी है अपनी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्कुल HD क्वालिटी है इसकी और बिल्कुल कोई पिक्सल्स फट नहीं रहे हैं। ये इसकी डिफॉल्ट वीडियोस हैं जो हम आपको इसको शो कर रहे हैं। आप चाहें तो यूट्यूब पे भी इसको अपनी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं विद म्यूजिक। एंड फिलहाल में इसको करते हैं हम बैक। यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट वीडियोस इंस्टॉल थी पहले से ही, तो उसको मैंने आउटपुट आपको दिखा दिया है। यहाँ पे आपको म्यूजिक इंटरनल स्टोरेज के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपने जो भी स्टोरेज अपने स्टोरेज के अंदर जो भी इसकी इनबिल्ट मेमोरी होती है उसके अंदर आपने कुछ भी म्यूजिक अपना अपलोड करके रखा हुआ है तो वो आपका यहाँ पे यूज हो जाएगा। या फिर आपने अगर फाइल मैनेजर में इसमें जाते हैं तो फाइल मैनेजर में आपको अपना जो भी आपकी USB का या मेमोरी कार्ड का या जो भी आपने इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है वो यहाँ पे आपको सारा शो हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल तो इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन है। और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल स्पेस 12 GB के आसपास खाली मिल जाता है लगभग। और क्योंकि 4 GB जो है अपने इंटरनल स्टोरेज लेती है यूज करने के लिए, बाकी 10 से 12 GB आपको मिल जाता है। इसके बाद फोन लिंक वगैरह का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा और यूट्यूब का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जीमेल की ID डालेंगे तो सारा का सारा काम कर जाएगा आपका, हर एक चीज यहाँ पे काम करेगी। और यहाँ से अगर मैं बैक गया तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। वाईफाई का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाएगा, स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बैकग्राउंड में कुछ भी चल रहा है, नेविगेशन, गाने, वीडियो, ऑडियो कुछ भी चल रहा है, सिर्फ आपको यहाँ से स्क्रीन ऑफ करनी है। और आपका जो है रात के टाइम पे जो डिस्ट्रैक्शन होती है आपको वीडियो से या फिर इसके रिफ्लेक्शन से, तो उस चीज से आप बच सकते हैं इसके अंदर। और बाकी आपने जस्ट सिग्नल क्लिक करना है, वापस से आपका ये ऑन हो जाएगा स्टीरियो। तो ये तो कुछ सी जो आपकी बेसिकली नॉलेज के लिए थी। और इसका चाहे तो आप मैप वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं, क्रोम ब्राउजर आपको मिल जाएगा। एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि क्रोम ब्राउजर के अंदर होती है उसके अंदर आपकी जो वीडियो है 1080 में चलती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे यूट्यूब का जो आपको ऑप्शन इसमें मिल जाएगा, यूट्यूब पे आपकी जो है आप वीडियो जो है 720 सिर्फ PSI पे आपकी चलेगी, उससे ऊपर नहीं चलती है। तो बेसिकली ये तो थी आपकी वीडियो से रिलेटेड बात। तो इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या क्या आप कन्वीनियंट अपनी गाड़ी के अंदर लगवा सकते हैं। तो सीट कवर से वगैरह भी आप चाहे तो अपने गाड़ी में इंस्टॉल करवा सकते हैं। सो बेसिकली बाय डिफॉल्ट कंपनी से लगे हुए हैं, आप चाहे तो अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी, आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। और उसके अलावा आप चाहे तो ये ऑनलाइन ऑर्डर भी करवा सकते हैं, पैन इंडिया डिलीवरी होती है हमारी। डिस्क्रिप्शन में लिंक बन जाएगा ऑनलाइन का, हमारे जो वेबसाइट है वहां का भी। और चाहे तो आप मेरे फ्लैश होते हुए फोन नंबर पे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं।